दोस्तों बदल गए हैं क्रिकेट के सारे नियम, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन कौन से नए नियम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्रिकेट के फैंस के लिए एक बार फिर से काफी कुछ फिर से याद करने का मौका आ गया है। मंगलवार को मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCFC द्वारा नए नियमों का ऐलान किया गया। यह सभी नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगे। अब क्रिकेट बॉल पर थूक यानी सलाइवा का इस्तेमाल करना हमेशा के लिए बैन हो गया है। साथ ही कैच को लेकर भी नियम में बदले हैं कुछ बड़े बदलाव, तो क्या है सब कुछ बताएंगे। दोस्तों हम अगर कोई कैच होती है तो उसके बाद जो भी नया बल्लेबाज क्रीज पर आएगा वही बल्लेबाजी करने आएगा। पहले यह नियम था कि अगर कैच के दौरान एंड चेंज होता है तो पुराना बल्लेबाज भी बैटिंग कर सकता था। दोस्तों अब अगर अगली बात करें तो अगर मैदान पर कोई व्यक्ति या जानवर एंट्री कर लेता है तो उसको डेड बॉल ही घोषित किया जाएगा। ऐसा तब किया जाएगा जब इन चीजों के लिए खेल पर किसी तरह का असर पड़ रहा होगा। पहले ऐसा होने पर खेल होता रहता था और फिर कुछ देर के लिए खेल रुकता था, लेकिन अब ये रूल चेंज होने वाला है। दोस्तों अब बात करें अगर फील्डिंग के दौरान कोई फील्डर गलत तरीके से मूवमेंट करता है तो उससे पहले डेड बॉल घोषित किया जाता है। अब ऐसा करने पर पेनाल्टी और के तौर पर 5 रन दिए जाएंगे। ऐसा करने पर पहले कई बल्लेबाजों वाली करने वाली टीमों को नुकसान हुआ है क्योंकि किसी अच्छे शॉट से पहले रन नहीं बनाए जाते थे। दोस्तों अगला नियम, कोरोना कॉल की वजह से वाइड बॉल पर यहां पर बॉल पर सलाइवा लगाना बंद कर दिया गया था और अब यहां पर क्रिकेट में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोस्तों अगर पिच से बाहर बॉल लैंड करती है गेंद, अब अगर कोई बल्लेबाज शॉट खेलेगा तो उसका बल्ला या और कुछ हिस्सा पिच पर रहना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तब अंपायर के पास इसे डेड बॉल घोषित करने का अधिकार होगा। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज जो कि पिच से बाहर निकलने को मजबूर करती है तो नो बॉल होने वाली है। वहीं दोस्तों वाइड को लेकर भी चीजें बदल गई हैं। बल्लेबाज अगर कोई इनोवेटिव शॉट खेलने के लिए अपना स्टांस बदल करता है और बॉलर उसका पीछा करने के लिए बॉल इधर उधर डालता है तो बल्लेबाज की पोजीशन के हिसाब से ही वाइड नापी जाएगी, ना कि स्टंप की दूरी के हिसाब से। अब अगर दोस्तों कोई बॉलर डिलीवरी स्ट्राइक के आने से पहले स्ट्राइकर मौजूद बल्लेबाज को रन आउट करने की कोशिश करता है तब यह डेड बॉल घोषित कर दी जाएगी। ऐसे में बहुत ही कम होता है इसलिए यह पहले नो बॉल माना जाता था। आपके हिसाब से क्या जो नए नियम आए हैं ये सही है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।